नमस्कार साथियों, मैं गिरधर शर्मा। साथियों, आपने अपने देश भारत में काफी मेले देखे होंगे। आज मैं आपको साथियों विदेशों में मेले कैसे लगते हैं यह चीज दिखा रहा हूँ। आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, यह है एरो टाउन। एरो टाउन न्यूजीलैंड का एक छोटा सा शहर है और क्वींस टाउन कस्बा है, वहाँ पे ये शहर है और इसके अंदर एक मेला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी हसीन वादियाँ हैं और उनके बीच ये एक छोटा सा शहर है एरोटाउन। आप इन गाड़ियों पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, एरोटाउन वाकायदा लिखा हुआ है, जिनके अंदर सीनियर सिटीज़न बैठे हैं। तो साथियों, ये मेले का एक दृश्य है। आप देखिए कि लोग जब मेला लगता है तो जैसे अपने राजपथ पे अलग अलग स्टेट वाइज प्रदर्शनी होती है, उसी तरह लोग अलग अलग कबीलों से कस्बों से आते हैं और यहाँ पे अपने अपने कला का भी प्रदर्शन करते हैं। और जो महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है उनका प्रदर्शन किया जाता है, अपना स्टेटस होता है उसके अनुसार लोग यहाँ पे रहते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ देखने को है कि यहाँ का जो वातावरण है वह बहुत अच्छा है, लोग एक हेल्दी लाइफ जीते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे एक परम मित्र हैं श्री प्रमोद मांझू, जो फिटनेस कोच भी हैं, हेल्थ ट्रेनर हैं वो। तो वो आजकल अपनी न्यूजीलैंड की यात्रा पे हैं, उनका परिवार है वहाँ पे, रहता है न्यूजीलैंड में। तो वो उस परिवार के साथ वहाँ पे इन दिनों एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि लोग कैसे साइडों में बैठे हैं और जिनमें टैलेंट है, जो भी कला है, उसका प्रदर्शन लोगों के बीच से किया जा रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों को खुश करने वाले काफ़ी आइटम हैं। इसके अलावा साथियों, आप देख सकते हैं कि जो भी टैलेंट का प्रदर्शन किया जा रहा है उसके पीछे कोई ना कोई परिवार जरूर चल रहा होता है अपनी गाड़ी लेकर। यानी लोगों का यहाँ पे सिस्टम है एक कि वो किस शहर से हैं, कहाँ से हैं, कौन लोग उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, जो प्रमोट कर रहे हैं वो पीछे चले, आगे चले। और ये एक बैग पाइप बैंड जैसे इंडिया में होता है वैसा है, आप सुनिए इसको। तो साथियों, ये एक बैंड था। इसके अलावा ये गाड़ियां हैं, इनके ऊपर गुब्बारे इन्होंने सजा रखे हैं और अलग अलग मॉडल हैं गाड़ियां, ऐसी आपने इंडिया में नहीं देखी होंगी, वहाँ पे डिज़ाइन अलग होते हैं। ये देखिए, बड़ी रॉयल्स रॉयल्स गाड़ी होती है, जो उस गाड़ी के टाइप की गाड़ियाँ, ये लगभग गाड़ियाँ ऐसी ही है। और ये देखिए कैसे प्रदर्शन कर रही है लड़की, इस गाड़ी के पीछे थी, अब आगे चल रही है साइड से। इसका देखिए आगे का आप, कितना अच्छा इसका प्रदर्शन है कि किस तरह से ये हाथों पे खड़ी हो जाती है और हवा में अपने पैर ऐसे लहरा देती है जैसे कि अपने हाथ लहराते हैं। और इसके ड्रेसअप का डिज़ाइन ऐसे है कि पता नहीं चलता ऊपर नीचे का, यानी कि आदमी सुलटा है या उल्टा है। ये गाड़ी देखिए आप, गाड़ी गोल्डन कलर, इतना प्यारा है। और इसके पीछे एक प्रतिमा बनी हुई है, इसके अंदर इसको ले जाया जा रहा है कोई समारोह टाइप चीज जिसे अपने होती है। तो ये छोटे छोटे बच्चों का मनोरंजन करने के लिए आइटम किए जा रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये अनिल जी हैं, प्रमोद जी के भाई जी हैं, छोटे भाई हैं अनिल। तो ये न्यूजीलैंड में सेटल्ड हैं और इनके साथ इनका भतीजा है
मेरे परम मित्र हैं विनोद जी, उनका पुत्र, तो वो भी वहाँ पे आजकल जॉब कर रहा है, न्यूजीलैंड में ही है। तो ये न्यूजीलैंड का मेला है, वो घूम रहे हैं, तो उन्होंने हमें वहाँ का जो कल्चर है वो दिखाया इस वीडियो के ज़रिए। तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं ये वीडियो दिखा के आपको भी न्यूजीलैंड की यात्रा करवा देता हूँ। तो आप मेरे साथ एरो टाउन न्यूजीलैंड की यात्रा कर रहे हैं। ये साथियों एक गेम है, जादू शो है, इसको आप ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे कैसे स्टंट होते हैं। This is Bruce all the way from New Zealand. And he's from Invercargill. You reckon? Not Auckland? Not Auckland? No, I reckon Invercargill. Yeah. Hi. Vicky from India. This is Vicky all the way from India. Oh, I bet you've got a mean little spin bolt on you. Yes, mullet man. Yes, I do. Hey fellas, I need to make sure you can follow instructions while I clamber up on the unicycle. Raise a hand if you are married. So you two are going to be good at following instructions. You two, just listen up, you'll be perfect. First thing, can you stick your right foot forward? Do that for me now. Good. Other right. Good. He's not married. Now two hands on the imaginary pole, should come natural. Yeah, I'll go with that. For now, relax. Fellas, like I said at the top of the show, some of you weren't here at that point in time. This finale is the first time, or the first season, that we've put this actually on the street, live and direct. As far as we know, we are the only ones in the world doing it. We're not saying it's the greatest thing you'll ever see. We're just saying, as far as we know, we're the only ones that do it. So please enjoy it. Fellas, keep holding the pole. Mim, are you ready? I'm ready. Cool. Everybody clapping in time with my feet, except you guys. Here we go. You gotta lift me. 1, 2, 3. It's an actual lift. Yeah. So this. Yeah. Ready? 1, 2, 3. Second move. तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि यह एक टायर वाला कोई स्टंट है और इसके अंदर एक लड़की है, ये इन पे निशाना साधेगी सामने चढ़ के। पर अपने इंडिया में अक्सर मेलों में ये प्रोग्राम होते हैं, गांवों में लोग आते हैं, तो ऐसे कलाकारों को अपने गोड़बाजिया कलाकार कहते हैं कि गोड़बाजिया कलाकार आया हुआ है, जो गोड़बाजिया जादूगर आया हुआ है। तो ये चीज़ होती है, पर इन्हें न्यूजीलैंड में कुछ अलग कहा जाता है क्योंकि भाषा का बोली का फर्क होता है। पर ऐसे स्टंट गांव में जैसे बड़े बांस पे चलते हैं लोग इधर अपने इंडिया में, तो ऐसे सीन भी होते हैं। पर वहाँ पे ये जो टायर वाला है इसके ऊपर चला जा रहा है, तो काफ़ी अलग हटके चीज़ है। तो आप इसका आनंद लें। अब ये लड़की है, ये निशाना लगाएगी, देखिए कैसे क्या होता है कि कैसे इसके निशाना लगाने से आग लगती है। प्रमोद जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो देखिएगा साथियों। This afternoon, Mim will be firing the bow and arrow with her feet. This means two things. Number one, she has to take care of the worst case scenario, which is falling on the concrete with a bow in her foot. It could really bash up the bow. Secondly, she cannot see where she's aiming. That needs to be verbally cued from me.
verbal cues from me mean variables. Are you ready? I'm ready. We do hope you enjoy this. तो साथियों देखिएगा कि कैसे लड़की ये उल्टा होकर यानी बैलेंस का एक नमूना है ये कि देखिए बैलेंस देखिए लड़की का कि पैरों से ये एक जो तीर है वो छोड़ेगी धनुष है वो चलाया जा रहा है देखिए कैसे इसने निशाना लगाया पैरों से। इस लड़की के लिए तालियां तो बनती है आप कमेंट जरूर कीजिएगा और ये देखिए बैलेंस देखिए इसका कि ये जो एक डंबल टाइप जो उछालने की चीज़ होती है उसको उछाला जा रहा है और इसमें से आग लगती है जब इसके ऊपर आकर वो टकराता है लड़की ने जो तीर छोड़ा था तो ये इसके ऊपर देखिए कि हर गाड़ी के ऊपर एरोटाउन लिखा हुआ है और यहाँ पे हल और फावड़ा दो चीज़ों को प्रदर्शित किया जा रहा है। शायद ये वहाँ का हरित क्रांति वाला एरिया हो हरा भरा प्रदेश हो इसलिए ये निशान हो वहाँ के। पर यहाँ पे लोग बड़े चाव से आते हैं और बड़े अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं अमीरों का कस्बा है ये एरोटाउन है ये आप देख सकते हैं। इसके बाद साथियों आप देख रहे हैं कि एक सर्कस का दृश्य है थोड़ा इसमें कुछ सीन सर्कस के भी हैं पर जो यहाँ का प्राकृतिक दृश्य है वह अपने आप में मोहा लेने वाला है। देखिए कितना सुंदर इन्होंने सर्कस नाम लिखा हुआ है और ये लड़कियां जो स्टंट करेगी और अब ये आखिरी प्रस्तुति है यहाँ की कि एक होम टाउन के अंदर जो 1 BHK का रूम होता है उसका प्रदर्शन है। तो साथियों कैसी लगी ये वीडियो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपने वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी आपको न्यूजीलैंड से और भी वीडियो हम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार।